कोरोना जागरूकता का संदेश देने के लिए डीएलबी डायरेक्टर दीपक नंदी, नगर निगम ग्रेटर जयपुर के आयुक्त दिनेश कुमार यादव और नगर निगम हेरिटेज जयपुर आयुक्त लोकबंधु ने नगर निगम मुख्यालय से जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ नगर निगम क्षेत्र के वार्डों में जाकर नुक्कड़ नाटक करके लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के बारे में जागरूक करेंगे। ये दोनों नगर निगम के सारे जोन्स में लगभग 150 कार्यक्रम करेंगे। रोजाना 10 से 15 कार्यक्रम, ये नुक्कड़ नाटक, प्रचार प्रसार, निशुल्क मास्क वितरण। छोटे कस्बों में भी उतनी स्पीड से काम चल रहा है। सारे एसडीएम्स हैं, कलेक्टर साहिबान हैं, छोटे छोटे कस्बों में डायरेक्टरेट से चीफ इंजीनियर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, हमारे सारे सीनियर ऑफिसर अलग से जा रहे हैं। वो नगर निगम जयपुर से ही इसकी शुरुआत की गई थी, तब से निरंतर नगर निगम ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज दोनों ये प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक, विशेष तौर पर समाज के उस वर्ग तक जिस तक सामान्यतया पहुंचा नहीं जाता है, जो हमारी कच्ची बस्तियां हैं, जो हमारे मजदूर जहां इकट्ठे होते हैं उनकी चौकड़ियां हैं, और इसी प्रकार से सब्जी मंडियां हैं, हमारी कृषि उपज मंडियां हैं, जहां बाजार, जहां अधिक से अधिक लोगों के आने की संभावनाएं रहती है, उन तक न केवल मास्क पहुंचाने का बल्कि साथ साथ उनको जागरूक करने का भी जो कार्य है वो निरंतर जारी है। उसी संदर्भ में आज जो ये हमारी जो मोबाइल वैन है, इनके माध्यम से न केवल मास्क वितरण का बल्कि जो नुक्कड़ नाटक हैं उनके माध्यम से लोगों को जागरूक करने का। इसमें भी हम लोगों ने इस बात का ध्यान रखा है कि नुक्कड़ नाटक करने वाले लोग हैं उनकी संख्या भी सीमित रहे, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए और लोगों को जागरूक करने का काम कर सकें। नए नए तरीके से संदेश पहुँचाया जाए। संदेश वही है कि कोरोना से बचने के लिए अभी कोई वैक्सीन नहीं है। जो आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, चाहे मास्क लगाना है, डिस्टेंस पे रहना है, लोगों से हाथ धोते रहना है, सैनिटाइज हाथ करते रहना है, इन्हीं के थ्रू आप अभी बचाव कर सकते हैं। इसके लिए वार्ड वाइज टीमें लगाई हुई हैं, जो वार्ड में हर क्राउडेड प्लेस पे जा रही हैं। जोन डीसी दिन में 2 बार अलग अलग जगह जा रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल हों, बस स्टैंड हों।